किसानों के लिए खेती करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कई बार तो किसान मोटे ब्याज पर साहूकार और बैंक से कर्ज भी लेते हैं। ऐसे में किसान फसल नहीं होने या सही उपज नहीं होने पर कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि KCC की शुरुआत की। क्या है ये योजना, एक मिनट में जानिए पूरी बात। '98 में इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के साथ मिलकर की। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी बैंक जाकर अपने जमीन के कागजात जमा कर और लोन लेने की सामान्य कागजी औपचारिकताएं पूरी कर कर्ज ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। अब जानते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को कितनी सब्सिडी और कितना ब्याज देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% की ब्याज दर होती है। इस योजना में 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले ही लोन चुका देते हैं तो किसानों को 3% की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस तरह इस लोन का ब्याज दर महज 4% रह जाता है।